गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा कल हमने 15वां जो चैप्टर है वो अपना स्टार्ट किया था, जैव विविधता व संरक्षण। जैव विविधता व संरक्षण में हमने जैव विविधता के प्रतिरूप पढ़े थे, और उसमें पहला प्रतिरूप पढ़ लिया था हमने अक्षांशीय प्रतिरूप। ठीक है बेटा, और अक्षांशीय प्रतिरूप के बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो हम नोट के रूप में पढ़ेंगे, वो क्या है? देखिए बेटा, अमेरिका अमेरिका जो है उसका अमेजन अमेजन वर्षा वन, अमेरिका का अमेजन वर्षा वन जो है, यहां पर जैव विविधता जो है ये अन्य स्थानों से सबसे अधिक पाई जाती है। पृथ्वी पर जो अमेजन वर्षा वन जो है, इस वर्षा वन जो है इस पर जैव विविधता पृथ्वी के अन्य स्थानों की तुलना में बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, और अमेजन वर्षा वन जो है ये अकेला 20% ऑक्सीजन पृथ्वी को प्रदान करता है। अकेला अमेजन वर्षा वन जो है ये पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, और इसी कारण अमेजन वर्षा वन जो है इसको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन जो है इसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अकेला अमेजन वर्षा वन जो है ये पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्योंकि यहां पर जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है बेटा, और कैसे पाई जाती? देखिए बेटा, अमेजन वर्षा वन जो है इसमें 40,000 जातियां जो हैं ये पादपों की पाई जाती हैं। केवल अमेजन वर्षा वन में 40,000 जातियां जो हैं ये पादपों की पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, 1300 जो जातियां हैं वो पक्षियों की पाई जाती हैं इसमें। 1300 जातियां किसकी हैं? पक्षियों की हैं। उसके अलावा 2 लाख जो जातियां हैं वो कीटों की पाई जाती हैं इसमें। 2 लाख जातियां कीटों की इसमें पाई जाती हैं, और 427 जाति जो हैं ये उभयचर जो हैं उनकी पाई जाती हैं, और 427 जातियां ही स्तनी जो हैं उनकी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अमेजन वर्षा वन जिसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि अकेला अमेजन वर्षा वन जो है ये संपूर्ण पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है, और इसमें 40,000 पादपों की, 1300 पक्षियों की, 2 लाख कीटों की, 427 उभयचर और स्तनियों की जातियां इसमें पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन को। ठीक है बेटा, तो ये अपना पहला जातीय प्रतिरूप जो है वो हमने कर लिया, अक्षांशीय प्रतिरूप जो जैव विविधता का प्रतिरूप था, अक्षांशीय प्रतिरूप। अब दूसरा प्रतिरूप लेते हैं हम, दूसरा जो प्रतिरूप है वो है जातीय प्रतिरूप। दूसरा प्रतिरूप जैव विविधता का जातीय प्रतिरूप, देखिए बेटा जातीय प्रतिरूप, जातीय प्रतिरूप क्या है कि जर्मनी जर्मनी जो है उसके एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे जर्मनी के, वो हैं अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट, जिन्होंने दक्षिणी अमेरिका जो है उसके जंगलों का अध्ययन किया। दक्षिणी अमेरिका जो है उसके जंगलों का अध्ययन कर
उन्होंने एक विचारधारा दी थी। जर्मनी के भूगर्भ वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ड जो थे, उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के जंगल जो हैं उसका अध्ययन करके एक अवधारणा दी। वो अवधारणा क्या है कि किसी सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि, किसी सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि जो है ये अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। ये अवधारणा दी थी अलेक्जेंडर वाम हमबोल्ट ने। समझना बेटा, किसी सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। यानी एक सीमा तक अगर हम किसी भी पारितंत्र की सीमा बढ़ाते हैं तो उसकी जाति समृद्धि भी बढ़ती है। भाई अगर कोई पारितंत्र है, अगर उसकी हम एक सीमा बढ़ाते हैं तो उसमें जाति समृद्धि भी क्या होगी, बढ़ती है, क्योंकि जीवों को क्या मिलेगा, आवास मिलेगा, और आवास मिलने पर उनकी जाति समृद्धि में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है बेटा, और ये जो विचारधारा है इसे लघु गुणक पैमाने पर ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। लघु गुणक पैमाने पर ये एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे हम किसी भी क्षेत्र की जो जाति समृद्धि है, जैसे ये है किसी भी क्षेत्र जो है उसकी जाति समृद्धि है, और ये है अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा, अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा। तो अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा और जाति समृद्धि के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो वो एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो ये बताता है कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जाति समृद्धि अण्वेक्षण क्षेत्र की सीमा बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे जैसे हम सीमा बढ़ाते हैं अण्वेक्षण क्षेत्र की, उसकी जाति समृद्धि में भी लगातार क्या होती है, वृद्धि होती है। जो एक लघु गुणक पैमाने पर एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, अब ये जो स्थिति है अगर इसको लघु गुणक पैमाने में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, लोग एस बराबर होता है लोग सी प्लस जेड लोग ए। अगर इसको लघु गुणक के रूप में लिखा जाए तो ये हमें प्राप्त होता है लोग एस बराबर लोग सी प्लस जेड लोग ए। अब देखिए बेटा ये क्या है कि यहां पर लोग एस जो है ये होती है जाति समृद्धि, ये क्या होगी, जाति समृद्धि लोग एस है। लोग सी जो है ये होता है अंतःखंड, ये क्या है बेटा, अंतःखंड है। जेड जो होता है ये होती है रेखीय ढलान, उस क्षेत्र जो है उसकी रेखीय ढलान होती है, और ए जो है ये क्या है, क्षेत्र है। तो लघु गुणक पैमाने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लोग एस का मतलब क्या है, जाति समृद्धि है। लोग सी यानी सी का मतलब है अंतःखंड, प्लस जेड लोग ए, जेड इसमें रेखीय ढलान होती है और ए इसका क्या होता है, क्षेत्र होता है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं लोग एस बराबर लोग सी प्लस जेड लोग ए।
ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा यहां पर एक चीज है कि जो रेखीय ढलान होती है, जो रेखीय ढलान दी गई है, ये रेखीय ढलान लघु गुणक पैमाने पर, मैं इसको मिटा देता हूं, रेखीय ढलान जेड, रेखीय ढलान जेड जो है ये अधिकांश जो महाद्वीप हैं, अधिकांश जो महाद्वीप होते हैं उनके लिए इसका मान 0.1 से 0.2 जो है उसकी परास में होता है। रेखीय ढलान का मान अधिकांश महाद्वीपों के लिए कितना होता है? 0.1 से लेकर 0.2 के परास में होता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें जेड का जो मान होता है वो 1.5 से लेकर 1.6 की परास में होता है। भाई अधिकांश महाद्वीपों के लिए कितनी परास है इसकी? 1.1 से लेकर 0.2। लेकिन उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें रेखीय ढलान का मान कितना होता है? 1.5 से लेकर 1.6। ठीक है बेटा। और एक चीज और देखिए इसमें कि किसी भी क्षेत्र जो है उसकी जाति समृद्धि, किसी भी क्षेत्र की जाति समृद्धि जो होती है ये उसके वर्गक जैसे सरीसर्प है, ठीक है बेटा, एवीज है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ये वर्गक होते हैं। तो जाति समृद्धि और वर्गक का जो संबंध होता है, जाति समृद्धि और वर्गक, वर्गक में आप कोई भी कह सकते हैं, जैसे मान लो सरीसर्प है, एवीज है, स्तनी है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, ये सभी वर्गक होते हैं। जाति समृद्धि और वर्गक का जो संबंध होता है ये आयताकार परिवलय के, आयताकार अति परिवलय के रूप में होता है। आयताकार अति परिवलय के रूप में होता है। किन किन का संबंध बेटा? जाति समृद्धि और वर्गक जो है उनका संबंध जो है ये आयताकार अति परिवलय के रूप में होता है, जिसको इस रूप में दर्शाया जाता है। ये है आयताकार अति परिवलय। ये किसका संबंध है? जाति समृद्धि और वर्गक जो होते हैं उनका संबंध आयताकार अति परिवलय के रूप में होता है, जिसे हम इस रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हो गया जातीय प्रतिरूप। ठीक है बेटा। अब जातीय प्रतिरूप जो है उसके बाद अगला जो हम टॉपिक लेंगे, इसके लिए इसको मिटा देते हैं पहले। अब लेंगे हम जैव विविधता जो है उसका पारितंत्र में क्या महत्व है, कि किसी भी क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है उस जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या है। देखिए बेटा, जैव विविधता के प्रतिरूप, ये हमने दो प्रकार के प्रतिरूप पढ़े थे, एक तो अक्षांशीय प्रतिरूप पढ़ा था और आज जो है वो हमने पढ़ा जातीय प्रतिरूप। अब जातीय प्रतिरूप होने के बाद जो अगला टॉपिक है, सर्दियों में बेटा ये इंक भी थोड़ी सी चिपक जाती है, आसानी से उतरती भी नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं अच्छे से एक बार। हाँ बेटा, अब अगला टॉपिक है अपना जैव विविधता, जैव विविधता का पारितंत्र,
पारितंत्र में महत्व। जैव विविधता जो है इसका पारितंत्र में महत्व देखना हमें, कि जो जैव विविधता पाई जाती है जीवों में इसका पारितंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बेटा, किसी भी क्षेत्र में या किसी पारितंत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है, किसी भी पारितंत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है, ये जैव विविधता जो है वो उस पारितंत्र जो है उस पर निर्भर करती है। कि अगर मान लो किसी भी पारितंत्र में जैव विविधता अधिक है तो वो पारितंत्र उतना ही स्थायी होगा। ये चीज आपने पहले भी पढ़ी थी कि किसी भी पारितंत्र में जैव विविधता जितनी अधिक होगी वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, टिलमैन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भूखंड जो होते हैं उनका अध्ययन कर ये बताया कि जिस भूखंड पर जैव विविधता जितनी अधिक होती है, जैव विविधता जितनी अधिक होती है उस भूखंड पर विभिन्नताएं उतनी ही कम होती हैं। समझना बेटा एक बार इस बात को कि टिलमैन जो थे उन्होंने भूखंडों का अध्ययन किया, पृथ्वी के कुछ खंड जो है उनका अध्ययन किया और ये बताया कि जिस भूखंड पर जैव विविधता जितनी अधिक होगी उस पर विभिन्नताएं उतनी ही कम होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अगर पश्चिमी घाट पर उभयचर जो है उनकी संख्या कम हो जाए, उभयचर जो है उनकी संख्या क्या हो जाए, कम हो जाएगी तो कीट पतंगे जो हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। उभयचर जो है जैसे मेंढक है ये कीट पतंगे खाता है, अगर उनकी संख्या कम हो जाएगी तो किन की संख्या बढ़ जाएगी, कीट पतंगों की। और अगर कीट पतंगों की संख्या बढ़ती है तो वो पारितंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया था टिलमैन ने कि जैव किसी भी भूखंड पर जैव विविधता जितनी अधिक होगी वो उस भूखंड में विभिन्नताएं उतनी ही कम होगी। ठीक है, जैसे पश्चिमी घाट पर अगर उभयचरों की संख्या कम हो जाएगी तो कीट पतंगों की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे पारितंत्र क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। ठीक है बेटा, टिलमैन जो है उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है, रिवेट पोपर परिकल्पना। रिवेट पोपर परिकल्पना, देखिए बेटा रिवेट पोपर परिकल्पना क्या है। देखिए बेटा, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक थे एहरालिक जिन्होंने पारितंत्र जो है उसके लिए रिवेट पोपर परिकल्पना दी थी। किसने दी थी, एहरालिक नामक वैज्ञानिक ने, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया इस परिकल्पनाएं कि उन्होंने कोई भी पारितंत्र जो है उसकी तुलना उसने वायुयान से की। किसी भी पारितंत्र की तुलना उन्होंने किससे की, वायुयान जो होता है उससे की। एक पारितंत्र है और उस एक पारितंत्र की तुलना उसने एक वायुयान से की, और वायुयान में जो रिवेट होते हैं, वायुयान के जो
विभिन्न भाग होते हैं उनको जोड़ने वाले जो भाग होता है उसे रिवेट कहा जाता है। जैसे एक भाग को दूसरे भाग को जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या होता है, रिवेट होता है। ठीक है, तो एहरालिक ने वायुयान के जो रिवेट होते हैं, भागों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है, उस रिवेट जो है उसकी तुलना पारितंत्र में पाई जाने वाली जातियों से की। भाई पारितंत्र की तुलना किससे की, वायुयान से की, और वायुयान में जो विभिन्न भागों को जोड़ने वाले रिवेट हैं उनकी तुलना पारितंत्र में पाई जाने वाली जातियों से की। ठीक है बेटा, और फिर उन्होंने बताया अगर वायुयान का कोई सामान्य रिवेट टूट जाता है, यानी पारितंत्र की कोई समान जाति विलुप्त हो जाती है, अगर वायुयान का कोई समान रिवेट टूट जाता है, इसका मतलब यह हुआ पारितंत्र की कोई समान जाति विलुप्त हो जाती है, तो समान रिवेट टूटने पर वायुयान जो है ये प्रभावित अवश्य होगा, उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन वो कुछ समय तक क्रियाशील रहेगा क्योंकि समान रिवेट टूटा है। उस समान रिवेट टूटने पर वायुयान पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन वायुयान फिर भी कुछ समय के लिए क्रियाशील रहेगा। और उसी तरह कि अगर पारितंत्र में कोई समान जाति विलुप्त हो जाती है तो पारितंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पारितंत्र क्रियाशील रहेगा। लेकिन अगर वायुयान का मुख रिवेट यानी पंखे का रिवेट टूट जाए, क्या टूट जाए, पंखे का। भाई वायुयान किससे चलता है, पंखे से चलता है, और पंखे को जोड़ने वाला ही रिवेट टूट जाए तो जो वायुयान है वो क्या हो जाए, उसकी क्रियाशीलता तुरंत खत्म हो जाएगी। तो उसी तरह अगर पारितंत्र में कोई मुख्य जाति विलुप्त हो जाती है तो पारितंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है और उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पारितंत्र में मुख्य जाति विलुप्त हो जाती है तो पारितंत्र असंतुलित हो जाता है। भाई जैसे हमने वायुयान की तुलना किससे की, पारितंत्र से, और वायुयान में जो रिवेट होते हैं जो विभिन्न भागों को जोड़ते हैं उसकी तुलना हमने पारितंत्र में उपस्थित जातियों से की। कोई समान रिवेट टूटता है यानी समान जाति विलुप्त होती है तो वायुयान पर प्रभाव पड़ेगा, वायुयान यानी पारितंत्र पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पारितंत्र कुछ समय के लिए क्रियाशील अवश्य रहेगा। लेकिन अगर वायुयान की मुख रिवेट यानी पंखे का रिवेट यानी मुख जाति विलुप्त हो जाती है तो वायुयान की क्रियाशीलता तुरंत खत्म हो जाएगी। यानी पारितंत्र की अगर मुख जाति विलुप्त होती है तो पारितंत्र तुरंत असंतुलित हो जाता है। ठीक है बेटा, और देखिए पारितंत्र का सबसे बड़ा महत्व है, अगर मानव जो है उसको अच्छा जीवन यापन करना है, ठीक है, और तो उसे जैव विविधता की आवश्यकता अवश्य होती है, कि मानव जो है उसका जैव विविधता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अतः मानव जो है उसके अच्छे जीवन यापन के लिए अच्छी जैव विविधता का होना आवश्यक होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व, जिसमें हमने टिलमैन के बारे में पढ़ा और रिवेट पोपर परिकल्पना जो है ये पढ़ी। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना पारितंत्र जो है उसमें जैव विविधता का महत्व। अब अगला टॉपिक लेते हैं कि जैव विविधता की क्षति, कि जो जैव विविधता है उसकी क्षति कैसे हुई। अगला टॉपिक है बेटा जैव विविधता की क्षति, जैव विविधता की क्षति। देखिए बेटा जैव विविधता की क्षति,
देखिए आई सी यू एन 2004 की रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची कहा जाता है, लाल सूची, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो है, एक अच्छा क्वेश्चन है कि भाई रेड डाटा बुक क्या है या लाल सूची क्या है। देखिए बेटा, रेड डाटा बुक में उन जीवों को रखा जाता है जो जिनकी जातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। रेड डाटा बुक में किन जीवों की सूची होती है? जो वे जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं और जो विलुप्त होने के कगार पर है, उन जातियों की सूची होती है रेड डाटा बुक में। आईसीयूएन 2004 के अनुसार पृथ्वी पर 500 वर्षों में, 500 वर्ष जो है, इसमें 784 जातियां जो हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। 784 जातियां 500 वर्ष में विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। और इन 784 जातियां जो हैं, इसमें से 338 जो जातियां हैं वो कशेरुकी जो प्राणी हैं उनकी हैं, 338 कशेरुकी की हैं। 359 जो जातियां हैं वो अकशेरुकी जो प्राणी है उनकी हैं, और 87 जातियां जो हैं ये पादपों की हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है बेटा। तो आईसीयूएन 2004 की रेड डाटा बुक, जिसमें संकटग्रस्त जातियां और विलुप्त हो गई जो जातियों की सूची होती है, उसके अनुसार 500 वर्षों में 784 जातियां जो हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 338 कशेरुकी प्राणियों की हैं, 359 अकशेरुकी प्राणियों की हैं, और 87 जो हैं वो पादपों की जातियां हैं। और हाल ही में जो जातियां विलुप्त हुई हैं, देखिए बेटा वो कौन कौन सी हैं, जैसे मोरिसिस जो है उसका डोडो पक्षी, मोरिसिस जो है उसका डोडो पक्षी जो है ये अपनी सुंदर पंखों के कारण विलुप्त हो गया, ठीक है। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी थाइलेसिन जो है ये विलुप्त हो चुकी है। तीसरा अफ्रीका का क्वेगा जो है ये विलुप्त हो चुका है। नंबर चार है रूस जो है उसकी स्टेलर समुद्री गाय जो है ये विलुप्त हो चुकी है। और पांचवा है जावा, बाली और कैस्पियन की बाघ की तीन जातियां जो हैं, जावन, बाली और कैस्पियन, ये बाघ की जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में या हाल ही में जो जातियां विलुप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं? मॉरिशस का डोडो पक्षी, ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी थाइलेसिन, अफ्रीका जो है उसका क्वेगा, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, जावा, बाली, कैस्पियन की बाघ की तीन जातियां, जावन, बाली और कैस्पियन जो हैं ये विलुप्त हो चुकी हैं। वैज्ञानिकों को की बात अगर मानी जाए तो ये कहते हैं कि अब तक जीवों के विलुप्ति के 5 चरण हो चुके हैं। जीवों की विलुप्ति के कितने चरण हो चुके हैं? 5 चरण, और ये 6वां चरण चल रहा है। जो पहले चरण से
सौ से हजार गुना अधिक है। जीवों की विलुप्ति के अब तक पांच चरण हो चुके हैं, जिसमें छठा चरण चल रहा है, और छठा चरण जो है ये पहले चरणों से सौ से हजार गुना क्या है, अधिक है। अगर इसी तरह जीवों की जातियां विलुप्त होती गई तो ये माना जाता है कि आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी जो है उसकी आधी से अधिक, पृथ्वी जो है उस पर आधी जो है उससे अधिक जातियां जो है ये विलुप्त हो जाएंगी। पृथ्वी पर जो आज जातियां उपस्थित हैं उनसे आधे से अधिक जातियां विलुप्त हो जाएंगी। अगर जीवों की विलुप्ति का चरण इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 100 वर्षों में पृथ्वी पर आधी से अधिक जातियां जो हैं ये विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो ये हो गया जैव विविधता जो है उसकी क्षति। जैव विविधता जो है उसकी क्षति हमने देखी कि किस प्रकार जीवों की जो जातियां हैं वो लगातार विलुप्त होती जा रही हैं, और विलुप्ति जो है उसका सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है मानव के क्रियाकलाप, कि मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनके कारण जो है पृथ्वी पर जीव जो हैं उनकी जातियों की विलुप्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है बेटा, अब हम टॉपिक लेते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का महत्व, कि जैव विविधता जो है उसका क्या महत्व है, क्या लाभ है, अगर उसकी हानि हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, या कह सकते हैं प्रभाव भी कह सकते हैं कि अगर इसकी विलुप्ति हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है बेटा, अब विलुप्ति के प्रभाव क्या हैं। पहला है कि पादप जो है उनकी उत्पादकता में, उत्पादकता जो है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी। भाई जैव विविधता कम होगी तो पादपों की उत्पादकता में लगातार क्या होगी, कमी होगी। दूसरा है कि पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव आएगा, जैसे बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, सूखा है, उनके प्रति जो प्रतिरोधकता है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। और तीसरा है कि जैव विविधता की जब क्षति होगी, जैव विविधता लगातार कम होती है तो जैव विविधता लगातार कम होने के कारण जो रोग कारक हैं उनका जीवन चक्र जो है ये परिवर्तनशील हो जाएगा, या उनके जीवन चक्र में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जो रोग कारक है, जो रोग फैलाते हैं, उनके जीवन चक्र भी बदल जाएगा या उनके जीवन चक्र में वृद्धि हो जाएगी। तो तीन प्रभाव पड़ेंगे, पादपों की उत्पादकता में कमी आएगी, पर्यावरण जो है उसमें परिवर्तन होगा, और रोग कारक जो है उनके जीवन चक्र में परिवर्तनशीलता उत्पन्न होगी या वृद्धि होगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।